are watching Kali News. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाना चाहिए, कहा उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम शिवसेना यूबीटी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को बुलाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन के वक्त उस वक्त के देश के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था, ऐसे ही इस बार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि 22 जनवरी 2024 को हम शिवसेना के लोग नासिक के कालाराम मंदिर में जाकर पूजा आरती करेंगे। इस प्रोग्राम में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं। और क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और उसी दिन मैंने जैसे पहले जाहिर किया था कि हम मतलब शिवसेना नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहाँ जाकर प्रभु रामचंद्र सीतामाई का दर्शन करेंगे और उसी शाम जो गोदावरी नदी है वहाँ से कुछ मिनट 4-5 मिनट पर की दूरी पर है तो वहाँ जाकर हम शाम को आरती करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सिर्फ रामलल्ला की पूजा नहीं है, अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो सिर्फ रामलल्ला या सीतामाई की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने सब सुना है, पढ़ा है और गूगल पर भी है, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहाँ अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि एक पवित्र क्षण है। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करने जा रहे कर रहे आपके माध्यम से एक आमंत्रण दे रहे, और हमारे सांसद है और जो भी मतलब सांसद है नेता है वो वहाँ जाकर उनको ठीक से आमंत्रित भी करेंगे।